इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ इलाके पानी पानी हो गए। सड़कें एक बार फिर तालाब का मंजर पेश करने लगी। रोड पानी में डूब गया। मलीर में सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। नीपा चौरंगी सब्जी मंडी और इस्लामिया कॉलेज से मुतसिल सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही थी, जिन्हें उबूद करके दफातर से लोग अपने घरों तक पहुंचे। शारे फैसल से भी निकलना शहरियों के लिए किसी चैलेंज से कम न था। तेज बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने रात में मजीद तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 12 से 14 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 4-5 रोज के इस स्पेल में 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इसके बाद 17 या 18 अगस्त से मॉनसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होगा, जिस दौरान समंदर में शदीद तुफानी हो सकती है। उधर शहर में हमेशा की तरह इस बार भी बिजली का सिस्टम फेल हो गया। बादल बरसते ही शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। के इलेक्ट्रिक ने कई इलाकों की बिजली अस्खुद बंद करने का एतराफ कर लिया। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 1900 में से 250 फेडर बंद किए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।